हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आपको एलजी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन एंड इसका फीचर्स को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। अगर आप कोई फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी ले रखे हैं, तो आपको अपने मशीन की पूरी जानकारी सही से होनी चाहिए। अगर आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वॉशिंग मशीन से रिलेटेड और भी मैं वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अभी इंस्टॉल करने वाले भैया आ रखे हैं और वो अभी सब कुछ वो सेट करेंगे और फिर वो इंस्टॉल करके हम लोग को गाइड करेंगे कैसे इसे यूज़ करना है। ये सब ट्रांसपोर्ट होता है तो खराब नहीं हो, इसलिए मतलब हमको अगर कहीं ले जाना होगा तो फिर सील ऑफ करके उसका दिक्कत है, नंबर भी मिल जाएगा। तो अच्छा, वो फैक्ट्री से निकलता होगा तो दिक्कत होता होगा। अच्छा, इतना तो आपका होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। ये मॉडल ज़्यादा दिखता है कि नहीं दिखता है? सबसे ज़्यादा दिखता है, सबसे ज़्यादा। इसका ढक्कन दिया होगा ना? क्या डिटर्जेंट सर्फ दिया है? चूहा घुस जाता हुआ अगर स्टैंड कर जाता तो इसका नहीं लगता जरूरत है। पूरा खाली तो भारी इतना क्या रहता है? मोटर सॉकर है। इसमें हार्ड वाटर के ऊपर रहता है कि नहीं? बैटरी के अंदर से फिर लगाना पड़ता है वैसे? ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी दो तीन साल बाद जंग करते साफ करते रहे तब दिक्कत नहीं? मोटर साफ फिर से दो बार मारा ना, इसको निकाल के इसका कोई अलग सिस्टम भी आता है क्या? अगर यहाँ पे नल नहीं लेना चाहिए तो नल लगा दीजिए। नल या फिर वैसा वाला, वो देखिए वो जो लगा आता है नल ही आता है। ठीक है, सेट हो गया। क्या नॉर्मल नल या फिर बोलिंग वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन के लिए ऐसे करके लगा ऐसे सिलेंडर लगा था ऐसे। ठीक है, इधर बोलना है फिर हफ्ता मेरा आगे 15 रुपये इसको स्टार्ट कर लीजिए। निकालते हुए उसको निकालते कैसे? बस कुछ से लो, 300 रुपये कुछ ऐसे करेंगे निकल जाएगा। ठीक है, इसको काम करके फिर लगा दीजिएगा। ये फिल्टर है उसे काम होकर फिर जो कचरा रहेगा फस्ता था। ये
ये इतना हाइट से जाता है ठीक है भाई हो जाएगा बाद में प्रॉब्लम कितना आरपीएम पे चल रहा है दिखा रहा है सब चल रहा है इसमें तो 1200 अच्छा ये पानी ऑटोमेटिक वहाँ सिंक कर रहा है ये करके रहा है चेकिंग कर रहा है तो इसका कोई सिस्टम है कैसे डिटेक्ट कर लिया आप चेक कर रहे हैं मगर मान लिया कभी आपको बाद में चेक करना होगा तो आपका इधर आ जाएगा कुछ दिक्कत हो लाइट बंद होगा तब ये चीज को पाने ठीक है अच्छा ये पहले इसमें कपड़ा डालना आपको इसके नीचे कपड़ा डालिएगा इसके नीचे यहाँ पर भी जाएगा घूमे अच्छे से आपका ठीक है यहाँ पर भी डगर डालना है इसमें इसमें आई सर इसमें आपका नील या सेल फोन का डालते डाल दें इसमें प्री वॉश का ऑप्शन दीजिएगा तब दस मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा वॉश में तब जा डालना तो फिर नहीं डालना अच्छा ठीक ठीक है फिर पावर देना है तो कुछ नहीं करना कॉटन अच्छा कॉटन प्लस मिक्स बेबी इजी केयर साइलेंट वॉश लेबी लेबी स्टीम जैसा आपका कपड़ा है उसके अनुसार उसको सेट कर सकते हैं ठीक है डाउनलेस साइकिल में रिन और स्क्रीन होगा आपका मिट्टा क्लीन होता है महीना में एक बार इसको चलाना आपको उससे क्या क्लीन होगा मशीन करते जो कपड़ा धोए ना उसको क्लीन करने के लिए महीना में एक बार चलाना आपको तब क्लीन किया दो महीना पे तो थोड़ा आदम थोड़ा आना चाहिए ठीक है डूबेट बने ब्लैंकेट छोटा छोटा पीक वास हो गया पार्टी वियर के लिए फिर दो सेट कपड़ा स्पोर्ट वियर खेलकूद बच्चे का उसको हैंड होने जैसे साड़ी दूसरे है डेडिकेट को दे दिया इधर आपका एक घंटा ऊपर रहेगा इधर एक घंटा के अंदर से तोड़ना ठीक है देखिए 47 मिनट 36 मिनट 54 मिनट 30 मिनट एक घंटा है इसमें भी एक घंटा रहेगा यहाँ पे 1.5 मिनट इधर जो आपका रहेगा कपड़ा का वेट करो सर ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कितना वजन है ऑटोमेटिक अगर मान लेते हैं हमको ये सब सेट किसी को नहीं करना बस कपड़ा डालना है तो मान लीजिएगा आप स्टार्ट कर दीजिएगा देखिए ठीक है पावर दिए कपड़ा डालना हो स्टार्ट करिए तो बॉटम से स्टार्ट हो जाएगा प्लेस के अनुसार हमें टाइम लिखा जाएगा अभी नहीं है तो अभी नहीं स्टार्ट होना चाहिए है ना मशीन स्टार्ट हो गया ना खाली चले जाए वैसे चले नहीं यहाँ पे वेट तो नहीं दिखाना चाहिए कुछ नहीं आया उसके पास फिर भी आपका टाइम लेगा मशीन स्टार्ट होने के बाद रोटेशन करता है ऐसा थोड़ी क्या मशीन और नहीं लगेगा हाँ अभी देख लीजिए हम इसको डोर खोल देंगे ठीक है मशीन और का नहीं चलेगी नहीं चलेगी तो अलग बात है तो डेट को कैसे चलेगी इधर दे जाएगी आपका मशीन लॉक होने के बाद तो हम स्टार्ट करेंगे तो ऑटो ले लेंगे अच्छा जो प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा जिसके रहेगा वो चलेगा ओके और देखिए आपको ठीक हुआ जैसे पार्टी वेयर के लिए वो चला सकते हैं 30 मिनट में आपका धोएगा 47 मिनट तो डालेगा तो दो सेट कपड़ा दे सकते हैं अच्छा जैसे हैंड ऑनलाइन हो गया सीटी का सूट साड़ी जब भी डेलीकेट में डेली नहाते होते हो स्पोर्ट भी जैसे कि बच्चा उसका करते हैं उसको उसका कपड़ा धो सकते हैं ये आपका डाउनलोड साइकिल में रहना बरसात का मौसम में क्या सकते हो डूबेट वाले बनाए इतना इधर आपका एनर्जी जिसको थोड़ा पंची धो सकते हैं स्टीम के अंदर धोता धब्बा लोग कपड़ा धो सकते हैं जैसे हमको कभी अगर जैसे कॉटन का हमको धोना है ठीक है कॉटन पे जाइएगा ठीक है कॉटन पे चले गए उसके बाद यहाँ पर होल्ड जैसे ठीक है वो क्यों नहीं जा रहा था होल्ड करिएगा तो कॉटन पे गया अच्छा कॉटन पे गए और हमको इसको धोना है टेम्परेचर बढ़ाना है ऐसा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा
और इससे हमको ज़्यादा करने का प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से जाना है। पे वो कितना देर टाइम लेता है? 37 मिनट। वो भी 37 मिनट? 37 मिनट। तो ये 38 मिनट लेता है। तो वो कौन से कपड़ा के लिए? डेली यूज के लिए, एक दो सेट का बंद होता है उसको। अच्छा, और इससे वाईफाई के लिए? वाईफाई के लिए राउटर रखना पड़ेगा। है तो स्मार्ट थिंग को अपलोड करेगा, उसके बाद इसको ऑन करिएगा, आप आपको कनेक्ट कर लीजिएगा स्मार्ट थिंग को। ठीक है, ये क्या है, बीप आवाज़ जो कर रहा है इसको बंद करने के लिए प्रेस करूँगा? तो प्रेस करेगा आवाज़, लेकिन टीटी आवाज़ करा है ना, तो ये कंप्लीट होने के बाद तो ठीक करता आवाज़ करता आवाज़ करेगा टीटी। हाँ, ये चाइल्ड लॉक है तो मतलब तो चाइल्ड की बच्चा उच्चा को छोड़ेगा तो डिस्प्ले लॉक हो जाएगा। अच्छा, बच्चा उच्चा छोड़ सकता लॉक कर देगा। ठीक है, काम नहीं करेगा कोई भी, पता कुछ दिन में काम कर रहा है। कॉल देंगे ओके गाइस, तो ये रहा हमारा अनबॉक्सिंग इंस्टॉलेशन का वीडियो यहीं तक। इसके बाद फिर अभी मैं दो और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, या फिर ऑलरेडी आ चुका होगा, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, लिंक वहाँ मिल जाएगा। तो इसके बाद का जो वीडियो है हमारा, वो डेमो एंड रिव्यू है इसी वॉशिंग मशीन का, और उसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर एक बार कपड़ा धोते तो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, मतलब जो भी एक घंटा या डेढ़ घंटा जितना भी चलने के बाद 8-10 कपड़ा धोने में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो मैं सब कुछ सेकंड वीडियो में आपको चला करके दिखाने वाला हूँ। और इसका थर्ड वीडियो में रहेगा हमारा फ़ोन से कैसे ऑपरेट करना है या वाईफाई के थ्रू हमारा ये वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में वाईफाई सिस्टम भी है, तो आपको फ़ोन से कन्फिगर करने का थर्ड वाले पार्ट में आपको बताऊंगा। एक्चुअली इतने सारे सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए ऐसा करना पड़ा मुझे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो तो आप वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, एंड और भी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस मशीन से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इशू हुआ है, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और अगर आपको ये खरीदना है वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड एलजी का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से फॉलो करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।